माननीय प्रधानमंत्री जी 8 साल से अनवरत देश की गरिमा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बढ़ी है, भारत की व्यापारिक और आर्थिक जगत में भी साख बढ़ी है और पूरे वैश्विक समुदाय का विश्वास, कोरोना पर उन्होंने जो काम किया, जनता में विश्वास जगाया, अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनकी साख इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि वो भारतीय जनमानस के केयर टेकर प्रधानमंत्री हैं। और रक्षा विभाग में भी चाहे चाइना हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय जगत हो, उनके रक्षा के प्रयासों से भी सारे पूरे विश्व जगत में एक बहुत ही भरोसा बढ़ा है। वो अयुद्ध की नीति पर चलते हुए भी अपनी भारतीय रक्षा प्रणाली को बहुत मजबूत किए हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और धर्मनिरपेक्षता भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत हुआ है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जनमानस में उनका भरोसा बढ़ा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नकारात्मक भी हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे पहले मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ ऐसा करें कि जिससे जो हमारे देश में पढ़ लिख करके नौजवान सड़कों पर टहल रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, पकौड़ा तल रहे हैं, उनको अस्थाई रोज़गार मिल सके, यही उम्मीद लगाए हम लोग। देखिए, सबसे पहले तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बहुत 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 बधाई हो और हम चाहते हैं जिस तरह से विश्व में हमारी विदेश नीति का डंका बज रहा है, उसी तरह हमारे भारतवर्ष में रोज़गार का भी डंका बजाएं प्रधानमंत्री जी। एक बार फिर उनको जन्मदिन की बहुत 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 बधाई। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन का आज अवसर है, पूरे देश को उनके इस जन्मदिन के अवसर पर सबको अपार खुशी है और वह खुशी हमें भी है। हम सारे लोग मिलकर के उनको अपने जन्मदिन पर बधाई देते हैं और वो अपने जीवन का शतक पार करें, यह शुभकामनाएं देते हैं। क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, उम्मीद तो पूरे देश को वर्तमान जो परिवेश है इसके परिवर्तन की है। जिस तरह से देश की व्यवस्था चल रही है, जिस तरह से 70 साल की आज़ादी के बाद भी आज जो मूल समस्याएं हैं, जो ज़मीनी समस्याएं हैं, उनका कोई समाधान अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी जी से हम सारे लोगों को ये आशा थी कि ये परिवर्तन लाएंगे और काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन आया भी, लेकिन अभी भी धरातल की समस्याएं जिससे जनता रोज जूझती है उसका परिवर्तन नहीं हो पाया है। और हम ये चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में इस पर भी काम हो। देश की जातिवाद हो गया, धर्म पर लेकर के जो तमाम विवाद चल रहे हैं और इस तरह की भ्रष्टाचार की समस्या, इन समस्याओं पर भी अब गंभीर प्रहार होना चाहिए, ये जनता की अपेक्षा और ये अपेक्षा हमारी भी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, मैं उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ यूथ के नाम पर, क्योंकि हम लोग नौजवान हैं, नौजवानों के नाम पर राजनीति करते हैं, उनके संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो घोषणा पत्र में अपने कहा था, हर साल हम 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके चुनाव जीतने का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, 8 वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक जो उनकी जो घोषणा थी, जो घोषणा पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, जिसके घोषणा को घोषणा करके वो प्रधानमंत्री बने थे, जो युवाओं से उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज तक कभी वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं उनसे खाली इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा उन्हें बधाई देंगे, लेकिन वो बधाई और तब बढ़ जाएगी जब वो 2 करोड़ रोजगार युवाओं को हर साल मुहैया कराएंगे, ताकि इस देश में जो बेरोजगारी दर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वो घटेगा और नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली आएगी। असल में तभी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने लायक होगा जब इस देश का युवा खुशहाल होगा और उसकी तरक्की होगी। अब ये तो उनका कार्य है, वो कुछ ना कुछ ऐसा अपना करते रहते हैं। चीते तो देश में पहले से भी थे, हमारे देश में बहुत सी चीते हैं, बहुत से शेर हैं, ये अलग बात है कि उनकी प्रतिभा को मौका नहीं मिल पा रहा है, वरना इस देश में बहुत सी शेर और बहुत सी चीते हैं जो नौजवान भी हैं और जीव भी हैं, लेकिन मैं नौजवानों को शेर बनना देखना ज़्यादा पसंद करूंगा, ना कि किसी जानवर को। सबसे पहले तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और उनसे
ये अपेक्षा रखता हूँ या मांग करता हूँ, या आज जो देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है, बेरोजगारी और महंगाई, मैं चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश में बेरोजगारी बढ़ाने के बजाय लोगों को रोजगार देने और महंगाई पे अंकुश लगाने का कार्य करें, ऐसी उम्मीद और अपेक्षा इस पूरे भारत देश की जनता चाहती है। धन्यवाद।